जो आपका मैं है वही आपका मन है, और ये मैं ये आपका मन पैदा कैसे होता है? जब भी हमें कोई अनुभव होता है, जैसे एक युवा जब एक सुंदर युवती को देखता है, लड़की को देखता है, मिलता है, तो उसके भीतर कुछ सेंसेशंस होती है, वेदनाएं होती है। मस्तिष्क इस अनुभव को, एक्सपीरियंस को यादों के तौर पर रिकॉर्ड कर लेता है, अंकित कर लेता है, अनुभव से यादों को बनाता है। इस दिमाग ने अगर संगीत सुन लिया तो वो उसे भी एक याद के तौर पर अंकित कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। अब यादें तो बन गई, लेकिन दिमाग का और एक कार्य है जो है विचार। अब ये विचार इन यादों से, इन स्मृतियों से पहचान बनाना शुरू करता है, और खुद को मस्तिष्क ने बनाई स्मृतियों से, यादों से जोड़ लेता है, और इससे उन स्मृतियों की, उन यादों की निरंतरता बनती है। तो विचार का यादों से जुड़कर पहचान बना लेना, विचार का यादों से, अनुभवों से या वेदनाओं से जुड़कर पहचान बनाना और उसे निरंतर बनाए रखना हमारे मैं को निर्मित करता है। इससे ही हमारा खुद का एक भ्रमित अस्तित्व निर्माण होता है, जिसे हमें लगता है कि यह हम खुद है। विचार की स्मृतियों से पहचान या उसका उनसे जुड़ना मैं को बनाता है। ये जो मैं है, ये सिर्फ विचार की गति है। यादें, स्मृतियाँ, मैं का, हमारे मन का, हमारे अहंकार का, हमारे खुद का केंद्र है, और यह याददाश्त दो चीज़ों द्वारा जिंदा रहती है, शब्द और छवियाँ, इमेजेस एंड वर्ड्स, नाम और रूप। इन दोनों के सहारे याददाश्त मैं को बनाती है, और ये मैं जो केंद्र से संचालित होता है, ये भी एक छवि ही है, विचार ही है, जिसने बाकी छवियों से, बाकी विचारों से खुद को अलग कर लिया है, और ये मैं बाकी छवियों से मिलकर खुद को बढ़ाता है या घटाता रहता है। कुछ नई छवियां जोड़ लेता है जो इसमें पुरानी छवियों के आधार पर सही बैठती है, और जो इसे सही नहीं लगती वह उसे घटाता रहता है, और यह हर क्षण चलते रहता है। पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, अगर इस मैं को गुस्सा आता है तो यह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? देखिए, वह एक छवि ही है जो बाकी छवियों के साथ मिलकर और छवियों को कंट्रोल कर रही है। एक छवि ही छवि को कंट्रोल कर रही है, और यह पूरा खेल ही आपका मन है, आप खुद है। और क्योंकि यह हर क्षण बहुत गति से चलते रहता है, तो इसकी गति बढ़ती ही जाती है, और बचपन से ही हमें यह कभी दिखाई ही नहीं देता कि ये मैं असल में बहुत सारी छवियां
और शब्द है जो इकट्ठे हमें आभास दे रहे हैं कि मैं हूँ मैं। जैसे एक पंखा है, वो सिर्फ तीन फरों का है, तीन पत्तों का है, लेकिन जब वह बहुत तेज घूमता है तब हमें भ्रम होता है कि यह एक ही है। लेकिन अगर उस पंखे की गति कम की जाए, घटाई जाए, तो हमें धीरे धीरे पंखे के तीन फर, तीन पत्ते दिखने शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये तीन फर थे, पर लेकिन गति में होने के कारण हमें दिखाई नहीं पड़ता था। जब हमने गति को कम किया तभी हम वास्तविकता को देख पाए। तो असल में मैं जैसी चीज़ है ही नहीं। जितनी छवियां घटती जाएंगी, जितना आपका मन खाली होते जाएगा, उतना आप कह सकते हैं कि मैं नहीं रहा। और यही मैं से मुक्ति है और यही स्वतंत्रता का परमानंद है। तब आप स्वतंत्रता के परमानंद से रूबरू हो सकते हैं।